तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टिकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल में मासेल अभिनव चौधरी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो आज हमारे पास रियलमी 11 प्रो प्लस 5G। और गाइज, आज के इस वीडियो में आपको इसका फुल गेम प्ले टेस्ट देने वाला हूँ, क्या ये फ़ोन गेमिंग के लायक है या नहीं। तो गाइज, आज के इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और गाइज, मैं आपको देता हूँ गेमिंग गेम प्ले टेस्ट इस रियलमी 11 प्रो प्लस 5G का। तो फिर चलिए सबसे पहले आपको स्पार्ट 9 प्ले करके दिखाता हूँ अपने इस 11 प्रो प्लस 5G में। देख पा रहे हो आपको इस पर हाइपर बूस्ट गेम इंजन टर्न ऑन का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको इस तरह का गेम बूस्टर का सपोर्ट मिलता है रियलमी 11 प्रो प्लस 5G में, जो कि आपको FPS भी दिखाता है और टेम्परेचर भी दिखाता है और बैटरी परसेंटेज भी दिखाता है। और आपको इसमें 3 गेमिंग मोड मिल जाते हैं, लो पावर मोड, बैलेंस मोड और गाइस प्रो गेमर मोड। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, टच ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, ओरिएंटेशन लॉक का ऑप्शन मिलता है, क्विक स्टार्टअप है, वॉइस चेंजर है, सिस्टम स्टेटस आप देख सकते हो जिसमें कि आपको CPU दिखाया जाएगा कि फोन का CPU कितना परसेंट चल रहा है, वर्क कर रहा है, कितना GPU है और कितना FPS है, सारा चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। देख पा रहे हो गाइस, अभी FPS हमारा 58-59 जा रहा है, जो कि हमारे स्पॉट 9 लीजेंड में जा रहा है। अब बैटरी की बात करो तो 67% बैटरी है और टेम्परेचर की बात करो तो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर आप देख पा रहे हो। तो चलिए जल्दी चलते हैं, करते हैं एक गेम प्ले। और अगर मैं आपको इसका गेमिंग टेस्ट देता हूँ कि हमें कैसा गेम प्ले देखने को मिलता है हमारे स्पॉट 9 लीजेंड का। तो फिर चलिए जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको देता हूँ स्पॉट 9 का गेमिंग टेस्ट। जैसे कि देख पा रहे हो गाइस, गेम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप FPS देख पा रहे हो। गेम प्ले तो मुझे गाइस स्मूथ देखने को मिल रहा है हमारे अपने इस रियलमी 11 प्रो प्लस 5G में। और जैसे कि आप ग्राफिक क्वालिटी भी देख पा रहे हो, आपको ये भी सुपर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करूँ स्पॉट 9 लीजेंड की, तो आपको इसमें स्मूथ सा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें ग्राफिक की कोई सेटिंग हमें देखने को नहीं मिलती कि हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा HD, वैसी कोई सेटिंग हमें नहीं मिलती। तो गाइस, सिस्टम अपने से ये डिफ़ॉल्ट ग्राफिक सेटिंग को सेट करता है आपके डिवाइस के हिसाब से। तो गाइस, उस तरह की आपको इसमें देखने को मिल जाएगी क्वालिटी। अगर इस गेम प्ले मैंने आपको दिया कि एक तरह से बताऊं तो स्पॉट 9 जो है आपका है, स्पॉट 9 लीजेंड, वो आपका शॉर्ट टर्म का गेम प्ले है। वो आपका शॉर्ट गेम है जो कि आपको थोड़ी टाइम के लिए खेलना पड़ता है। जैसे कि स्पॉट 9 आपका शॉर्ट टर्म प्ले है, जैसे कि BGMI हो गया, वो आपका अप टू लगभग आपका आधा घंटा से एक घंटा दो घंटा भी जा सकता है उसका मैच टाइमिंग, और आप उसमें ज़्यादा गेम प्ले भी करते हो। पर स्पॉट 9 जो है वो एक तरह से गेम कार रेसिंग गेम है, तो इसमें आपको शॉर्ट गेम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो गाइस, देख पा रहे हो गेम लोडिंग टाइम आपको कितना मिलता है आप वो भी देख पा रहे हो। और आपको इसमें हाइपर बूस्ट का गेम टर्बो मोड भी मिलता है देखने को, जो कि गाइस रियलमी की फैसिलिटी है, जो कि गाइस आपको रियलमी के डिवाइसेज में देखने को मिलेगी। तो गाइस, गेम बूटिंग टाइम आप देख पा रहे हो कि गेम स्टार्टअप टाइम आपको कितना मिलेगा देखने को, चेकिंग फॉर अपडेट्स कर रहा है ये। और गाइस, हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। तो गाइस, ग्राफिक की बात को तो गाइस आपको इसमें HDR अल्ट्रा तक का सपोर्ट मिलता है, आपको अल्ट्रा HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा और ना ही आपको एक्सट्रीम HDR का सपोर्ट मिलेगा। आपको इसमें HDR अल्ट्रा तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा आपके अपने इस रियलमी 11 प्रो प्लस 5G में। फ्रेम पर सेकंड तो देखने को मिलता ही है, साथ साथ आपको टेम्परेचर भी देखने को मिलता है, जो कि गाइस अभी हमारे फ़ोन का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, बैटरी परसेंटेज है 71% और टाइम की बात हो तो गाइस टाइम हो रहा है 149। अब मैं आपको एक गेम प्ले टेस्ट दूंगा, तब आप देख भी पाओगे कि आपको कितना बैटरी ड्रॉप मिलता है। और गाइस, टेम्परेचर देख लो अभी 39% है, फ्रेम पर सेकंड 29 फ्रेम पर सेकंड है। और बात करूँ इसमें हमें क्या क्या मिलता है, तो गाइस हमें इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल मिलता है देखने को, गेम फोकस मोड है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, टच ऑप्टिमाइजेशन, ओरिएंटेशन लॉक है, क्विक स्टार्टअप है, वॉइस चेंजर है, सिस्टम स्टेटस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको FPS का सपोर्ट, GPU और CPU परसेंटेज, सारा ही तीनों चीज़ आपको देखने को मिलेगा आपके गेम में आपको ऊपर, अगर आप इस सिस्टम स्टैट्स को ऑन रखते हो तो। तो चलिए हम जल्दी से इस गेम मोड को ओपन करते हैं और मैं चलिए आपको देता हूँ आज का हमारा गेमिंग टेस्ट, कि हमें कैसा गेमिंग मिलता है। हम वन प्लेयर पे खेलेंगे क्योंकि हमें टीममेट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपको बस गेमिंग रिव्यू देना है हमें। तो फिर यहाँ पे देख पा रहे हो BGMI गेम प्ले हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी हमारा गाइस अभी हम यहाँ पे स्टार्टअप में हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा FPS 28-29 FPS देखने को मिल रहा है। और गाइस, मैं वन पर्सन मैच खेल रहा हूँ, क्योंकि गाइस अभी मैंने टीम मोड नहीं चूज़ किया, क्योंकि मुझे फुल गेम प्ले नहीं करना है, मुझे बस आपको गेमिंग टेस्ट देना है रियलमी 11 प्रो प्लस 5G का। तो गाइस चलिए जल्दी चलते हैं, लूटअप कर लेते हैं कुछ गन्स और मैं आपको आगे गेम प्ले टेस्ट देता हूँ। पहले मैं कंट्रोल चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद BGMI को इंस्टॉल किया है, इसलिए आज मुझे कंट्रोल चेंज करना पड़ेगा।
गाइस अभी तक तो मुझे स्मूथ परफॉर्मेंस मिला है हमारे अपने इस BGMI गेम प्ले में, अभी तो मुझे कुछ वैसा लैग नहीं मिला। और टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर भी देख पा रहे हो 40°C अभी भी फ़ोन का टेम्परेचर है, और बैटरी 69% हो चुका है। फ्रेम पर सेकंड की बात करते हैं तो FPS आप देख पा रहे हो 30 FPS पे भी है जो हमारा गेम प्ले चल रहा है। और हमें स्मूथ सा परफॉर्मेंस अभी भी देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का BGMI का गेम प्ले का टेस्ट। हमारा एक मैच खत्म हो चुका है अब गाइस, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कंक्लूजन देता हूँ। तो गाइस बात करूँ एक गेम प्ले करने के बाद हमारा बैटरी ड्रॉप कितना हमें देखने को मिला, और बैटरी परसेंटेज का भी मैं आपको दिखा दूँ। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो FPS है 30 FPS, और हीटिंग की बात करो तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो 40°C का भी हमारा चल रहा है टेम्परेचर हमारे फ़ोन का, और बैटरी है 69% जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो गाइस इस तरह की आपको गेमिंग देखने को मिलती है, गेमिंग क्वालिटी मिलती है देखने को आपके अपने इस Realme 11 Pro Plus 5G में, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि आपका गेमिंग करने पे तो ये आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देता है। और हीटिंग की बात करो तो आपको नॉर्मल सा हीटिंग देखने को मिलेगा आपके अपने Realme 11 Pro Plus 5G में। जब मैंने BGMI गेम प्ले टेस्ट किया हायर ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर, तो गाइस मुझे ग्राफिक सेटिंग्स तो अच्छी मिली, और गाइस मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिला देखने को, गेम प्ले भी अच्छा मिला, और गाइस हीटिंग भी मुझे कम देखने को मिला। और बैटरी ड्रॉप की बात करते हैं, बैटरी ड्रॉप भी आपको एवरेज आपको कम ही देखने को मिला। मैं आपको कहूँ तो जैसे मैंने गेम प्ले स्टार्ट किया तो वो 71 था, और अभी गाइस 68 है, तो आप समझ सकते हैं अप्रोक्स आपका 3-4% आपका बैटरी ड्रॉप आपको देखने को मिला BGMI गेम प्ले में। और ये गाइस मैंने शॉर्ट गेम प्ले किया था, तो गाइस मुझे इतना मिला। अगर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन का गेम प्ले करता जैसे कि आधा घंटा एक घंटा, तो गाइस मुझे हीटिंग भी ज़्यादा देखने को मिलता और बैटरी ड्रॉप भी ज़्यादा देखने को मिलता। तो फ्रेंड्स मैंने आपको BGMI का गेम प्ले टेस्ट दिया जिसमें कि मैंने आपको दिखाया कि आपको BGMI में अल्ट्रा HDR तक का ग्राफिक सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको कैसी गेमिंग क्वालिटी मिलती है देखने को, और गाइस कैसा आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलता है। हीटिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो गाइस चलते हैं अब अगले गेम की ओर, जो कि है हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी। तो फ्रेंड्स कॉल ऑफ ड्यूटी हमारा स्टार्ट हो रहा है, और गाइस चलिए मैं आपको जल्दी से कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले टेस्ट देता हूँ। ग्राफिक्स की बात करूँ तो गाइस जो ग्राफिक्स इसमें पहले से डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है सेट किया हुआ, वो भी गाइस हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और गाइस ओवरऑल हमें अच्छा HD लुक देखने को मिल रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे हो। गेम प्ले भी हमें स्मूथ देखने को मिल रहा है हमारे कॉल ऑफ ड्यूटी में, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मैं वैसे तो ये गेम प्ले नहीं करता था, बहुत दिन बाद मैं ये गेम प्ले कर रहा हूँ, तो गाइस मुझे ऐसी क्वालिटी देखने को मिल रही है अपने इस कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर। मैं आपको गेम प्ले कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके कि गेम प्ले करने के बाद कि हमें कौन सी ग्राफिक सेटिंग मिलती है हमारे अपने कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और गाइस आप कमेंट करके बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप जोर जोर कमेंट करिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, और गाइस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको ग्राफिक क्वालिटी हाई तक का सपोर्ट मिलता है देखने को, और फ्रेम रेट की बात हो तो आपको मैक्स फ्रेम रेट तक का सपोर्ट देखने को मिलता है आपके कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर। और बात करूँ BR मोड ग्राफिक स्टाइल की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपको लो ग्राफिक सेटिंग में नहीं मिलेगा। अगर आप हाई पे सेट करते हो और मैक्स पे सेट करते हो आप फ्रेम रेट को, तो यहाँ पे आप वेरी हाई पे रखते हो तो यहाँ पे आपको BR मोड चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो अगर आप ग्राफिक क्वालिटी हाई रखते हो और फ्रेम रेट को आप वेरी हाई पे रखते हो, तो यहाँ से आप BR मोड के डिफरेंट ग्राफिक स्टाइल को चूज़ कर सकते हो। पहला है रियलिस्टिक है, डायनेमिक है, स्टैंडर्ड है, और आपको फोर्थ वन, तो आपको इसमें चार तरह के BR मोड देखने को मिलते हैं। आप इन चारों में से किसी भी मोड को ट्राई कर सकते हो, और आप उसमें कलर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको किस तरह की गेमिंग क्वालिटी मिलेगी देखने को, और गाइस कैसा ग्राफिक मिलेगा आपके अपने इस Realme 11 Pro Plus 5G में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गाइस ये था हमारा आज का गेम प्ले टेस्ट इस Realme 11 Pro Plus 5G का, जिसमें कि मैंने आपको इस Fallout 9 BGMI और गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले दिया। और गाइस मैंने आपको बताता हूँ कंक्लूजन की बात करूँ तो आपको कंक्लूजन बताता हूँ। तो गाइस कंक्लूजन ये निकला कि ये फ़ोन आपका गेमिंग के लिए तो बना हुआ है, आप इस फ़ोन
में अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। अगर आप हाई क्वालिटी में गेमिंग करोगे तो आपको अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा, पर गाइस आपका बैटरी ड्रॉप होगा और फ़ोन भी हल्का फुल्का हीट करेगा अगर आप हाई क्वालिटी में कुछ लंबे समय तक गेमिंग करोगे तो। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए गेम प्ले करते हो हाई ग्राफिक्स पे तो गाइज आपको उतनी इशू नहीं देखने को मिलेगी आपके अपने इस रियलमी 11 प्रो प्लस 5G में। पर गाइज अगर आप हाई क्वालिटी में गेमिंग करोगे अप्रॉक्स 1 आवर 2 आवर गेम प्ले करते हो तो आपको हीटिंग इशू देखने को मिलेगा आपके अपने इस रियलमी 11 प्रो प्लस 5G में। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, जिस वीडियो में मैंने आपको गेमिंग रिव्यू दिया, गेम प्ले टेस्ट दिया इस रियलमी 11 प्रो प्लस 5G का। तो गाइज वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन कीप सेइंग एंड सपोर्टिंग अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलता हूं आप सभी से अपने अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।